بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब में इमारत या बिल्डिंग देखना कैसा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में इमारत या बिल्डिंग देखने की तकरीबन 9 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में इमारत देखना, ख्वाब में इमारत बनाना, ख्वाब में किसी इमारत को तोड़ना, किसी वीरान जगह पर इमारत देखना और ख्वाब में पुरानी या नई इमारत देखना वगैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर कुशस ख्वाब के अंदर नई इमारत देखता है तो ये ख्वाब दुनियावी फ़ायदा मिलने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब के अंदर बड़ी इमारत या बिल्डिंग देखना खौफ ख़त्म होने, दुश्मनों पर कामयाबी हासिल करने की अलामत है। अगर कुशस ख्वाब के अंदर अपने घर या घर के कमरे को वसी या ख़ूबसूरत बना हुआ देखता है तो ये ख्वाब खुशहाली की अलामत है। अगर कुशस ख्वाब के अंदर देखता है कि उसका घर या उसका मकान हद से ज़्यादा मुतजावज़ है यानी हद से ज़्यादा बड़े हुए हैं तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला मर्द या औरत लोगों की इजाज़त के बग़ैर उनकी खुशी या गमी के मौके पर दाखिल होते हैं, लिहाजा उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह ख्वाब के अंदर मकान या घर बनाना दोस्तों और रिश्तेदारों को जमा करने से ताबीर है और ख्वाब के अंदर मकान को उखाड़ना तोड़ना दोस्तों और रिश्तेदारों से जुदा होने की अलामत है। अगर कुशस ख्वाब के अंदर देखता है कि वो अपने मकान या घर के लिए बुनियादें खोदता है और उन्हें मजबूत बनाता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत अपने मकसद में कामयाब होंगे। अगर कुशस ख्वाब के अंदर देखता है कि वो किसी ख़ास इलाके या किसी ख़ास शहर के अंदर मकान बनाता है तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले की उस शहर या उस इलाके में शादी होगी। अगर कुशस ख्वाब के अंदर कीचड़ से या गारे से मकान बनाता है तो ये ख्वाब साहिब ख्वाब के रिज़्क हलाल कमाने की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे लिए हमारे ख्वाबों को बायस रहमत और बरकत बनाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।